स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए जो है, एनटीए अभ्यास पेपर जो है, उन्होंने इस ईयर चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अर्थात हमारी प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन दिए हैं। उनमें से आज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, एल्कोहल, फिनोल और इथर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, उन 30 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शंस आपको ये एनिसोल गिवन है, इस पर एचबीआर का रिएक्शन करना है, द प्रोडक्ट विल बी, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ध्यान दे बेटा, ईथर, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट कर दूं, ईथर है, ईथर पर एचएफ का रिएक्शन, इट इज द कोड जिसेल मेथड, इसको हम जिसेल मेथड बोलते हैं, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर एच आई, एच बी आर, एच सी एल, एच एफ, स्ट्रॉन्गर एसिड मोर रिएक्टिव होगा। यहां से इथर जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटोनेशन होगा, आर ओ आर, सबसे पहले यहां से इसको एक प्रोटोन डोनेट करेगा, अर्थात लोन पे डोनेट करेगा, और लोन पे डोनेट करने से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड जो ईथर है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यहां से बोन का क्लीवेज होगा। अब बोन का क्लीवेज कहीं से भी हो सकता है, जैसे मैंने इसको आरडीएस मान लिया, तो अगर बोन का क्लीवेज यहां से होता है तो आर ओ एच प्लस आर डेस पॉजिटिव बनेगा, और अगर इधर से होता है तो आर डेस ओ एच प्लस आर पॉजिटिव बनेगा। अब हमें यही चेक करना है कि यहां पर बोन का क्लीवेज किस साइड से होगा। तो देखिएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एनिसोल, ये एनिसोल प्रोडक्ट है, और इसका रिएक्शन करना है एचबीआर के साथ। तो सबसे पहले यहां से एच प्लस प्रोटोन को ये लोन पे डोनेट करेगा, और प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हमारे पास ये बेटा H प्लस लग गया, प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है ये वाला बॉन्ड आपका अराइल के साथ है और ये वाला बॉन्ड आपका एल्काइल के साथ है, तो ये वाला बॉन्ड तो एल्काइल ऑक्सीजन है और इधर वाला बॉन्ड आपका अराइल ऑक्सीजन है बेटा। आपको पता है यहां पर रेजोनेंस की वजह से, यहां पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड आपका स्ट्रोंगर बॉन्ड है। अगर ये स्ट्रोंगर बॉन्ड है तो इसका मतलब यहां से इसका क्लीवेज नहीं होगा बेटा, इसका जो क्लीवेज होगा वो इस साइड से होगा। अगर इस साइड से क्लीवेज होगा तो इस साइड तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा फिनोल, और इस साइड आपका बन जाएगा केटाइन मिथाइल। अब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल बीआर है, वो बीआर अटैक करेगा, तो जब मिथाइल पर बीआर अटैक करेगा तो यहां से मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा फिनोल और मिथाइल ब्रोमाइड। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, फोर्थ आंसर आपका राइट है। ध्यान दे, यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने ब्रोमो बेंजीन बनाया वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड है, उनमें पार्शियली मतलब रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ मोर होता है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है, डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसर्टेड एच आई गिव 2 मोल ऑफ। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है, जिसेल मेथड का क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर है, अर्थात CH3, CH2O, CH2 और CH3, इसका रिएक्शन करना है कंसर्टेड एच आई के साथ। ध्यान रखना, कंसर्टेड एच आई के साथ रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले यहां से प्रोटोनेशन होगा और यहां से आपके पास जो ETOET है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहां पर H+ हो जाएगा और ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहां से बोन का ब्रेक होगा सर, यहां पर बोन का क्लीवेज किसी भी साइड से हो सकता है क्योंकि बोथ साइड सेम ग्रुप है। तो अगर मैं यहां से बोन का क्लीवेज करता हूं तो यहां तो बन जाएगा ETOH एथेनॉल, और यहां बन जाएगा आपके पास इथाइल का फ्री मतलब कार्बोकेटाइन। अब ये इथाइल जो कार्बोकेटाइन बना है इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल आई माइनस, तो हमारे पास एक बनेगा मोल इथाइल एल्कोहल और एक मोल बनेगा इथाइल आयोडाइड। बट यहां पर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में गिवन है बेटा, तो इसका मतलब इसकी कंसेंट्रेशन फिर अगेन आगे एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मोर होगी, तो ये एच प्लस आयन अब एल्कोहल पर अटैक करेगा। हमें पता है एल्कोहल भी एच एक्स के साथ एन एस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एल्कोहल भी इथर की तरह पुअर लीविंग ग्रुप होता है, तो ये एच इसको प्रोवाइड करेगा, तो यहां से इसका प्रोटोनेशन होगा और अल्कोहल के प्रोटोनेशन से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये आपका गुड लिविंग ग्रुप हो गया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और अगेन आपके पास इथाइल फ्री इथाइल केटाइन बन जाएगा। इस इथाइल केटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आयोडाइड, तो यहां से हमारे पास इथाइल आयोडाइड का मोल बनेगा। तो देखो फर्स्ट में भी इथाइल आयोडाइड बना है, सेकंड में भी इथाइल आयोडाइड बना है, तो इसका मतलब यहां पर 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है कि यहाँ इथाइल आयोडाइड के 2 मोल ऑब्टेन होंगे। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास मोर ईएन कोई एटम है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये मोर ईएन एटम के साथ में, और सेकंड इधर हाइड्रोजन मतलब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन मोर ईएन, आपका हाइड्रोजन भी मोर ईएन पर होना चाहिए, अर्थात ये हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। तो ऐसी कंडीशन पर ये हाइड्रोजन और इस मोरियन के बीच में जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होता है, जिसका ईएन मोर होगा उसमें बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी मोर होगा। तो देखो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एच एफ में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अमोनिया में। अगर इन तीनों में स्ट्रेंथ की बात करें हम तो एच एफ का स्ट्रेंथ मोर होगा क्योंकि इसकी ईएन 4 है, इसका ईएन 3.5 है, इसका ईएन 3 है, तो मोर ईएन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी मोर होती है। बट हमें यहां पर एथेनॉल डाई इथाइल इथर इथाइल क्लोराइड और ट्राई इथाइल अमाइन में बताना है। तो आप देखिएगा बेटा एथेनॉल है, और आपको बताया कि जो एथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, उसका ईएन 3.5 है, तो यहां पर मोर ईएन पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर आपको पता है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डाई इथाइल इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगी, इथाइल क्लोराइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहां पर पोलर बॉन्ड होता है। और ट्राई इथाइल अमाइन आप देखिएगा बेटा, ट्राई इथाइल अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बट इसका ईएन 3 है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल के कंपेयर में लेस होगा। तो यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा एथेनॉल में, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एथेनॉल में है, उसके बाद अमाइन में होगी, इसमें होगी बेटा अमाइन में होगी, उसके बाद इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं है। तो ए और डी में से एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन के कंपेयर में मोर है, उसका रीजन है ईएन। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टेंस बाय, आपको 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल के बीच में डिफरेंस करना है वो किससे होगा। तो ध्यान दे, अगर ऑप्शन ना हो तो मैं डायरेक्ट क्लियर कर दूं। आप देखो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में से 2 प्रोपेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट आपका 1 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दूसरा लुकास से भी हम इनको कर सकते हैं, पहला आयोडोफॉर्म है, दूसरा लुकास अगर मैं लू तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि लुकास से 2 डिग्री के अंदर जो टर्बिडिटी मिलेगी वो होगी आफ्टर 5 मिनट,
और यहां पर होगी 30 मिनट। तो लुका से भी कर सकते हैं हम, विक्टर मेयर विधि से भी कर सकते हैं। अगर विक्टर मेयर की बात करें तो यहां पर रेड कलर होगा, यहां पर ब्लू कलर होगा, बट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो आप जरा देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। आपको पता है प्रोपेनॉल 1 और 2, अगर 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 से तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 से बनेगा कीटोन, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। अगर अब हम यहां पर फैलिंग सॉल्यूशन लेते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ दोनों ही रिएक्शन नहीं करते, तो इनमें डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। अब ले रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर जो है इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन है, या तो ऑक्सीडेशन किया था हमने KMnO4 के साथ और अब करेंगे K2Cr2O7 के साथ, तो K2Cr2O7 के साथ करेंगे तो भी आपके पास बेटा 1 डिग्री से तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री से बनेगा कीटोन। आपको बताया आगे फर्दर फॉलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम लेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिएगा, एक लिया है 1 डिग्री अल्कोहल और एक लिया है 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का जब कॉपर के साथ 573 केपे करेंगे तो बेटा 1 डिग्री से तो बनेगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, और जब इनका हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो 1 डिग्री जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन कलर देगा, बट आपको बताया कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता। तो इसका मतलब हम कॉपर 573 केल्विन के साथ रिएक्शन करके फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल अर्थात 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में डिफरेंस पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा डी में अगर हम चाहे 1 प्रोपेनॉल ले लो और चाहे 2 प्रोपेनॉल ले लो, अगर इनका कंस्ट्रक्टेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन के वाया दोनों में प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा जो कि फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल इज बाय यूजिंग, अर्थात हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल गिवन है और साइक्लोहेक्सेनॉल से हमें साइक्लोहेक्सीन बनाना है। ये साइक्लोहेक्सीन आपको बताना है इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो हमें पता है अल्कोहल से ये बनाने का मेथड होता है बेटा एलिमिनेशन। कौन सा प्रोसेस है ये? एलिमिनेशन है, अर्थात अल्फा बीटा, यहां पर OH और यहां पर H, OH वाला अल्फा, ये वाला बीटा, यहां से H और OH रिमूव हो रहा है और एलिमिनेशन के वाया एल्किन बन रही है, और एल्किन हमेशा बेस की प्रेजेंस में होता है। अब आप देखो, यहां आपके पास रिएजेंट है कंसर्टेड HCl प्लस ZnCl2। ध्यान दे बेटा, कंसर्टेड HCl प्लस ZnCl2 आर द लुकास रिएजेंट और लुकास रिएजेंट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR। ये तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा कंसर्टेड HCl HBr और H3PO4 दे रखा है। हमें पता है कि HBr और HCl के साथ में Br- और Cl- बनेगा, ये आपके कॉन्जुगेटेड बेस है, ये आपके कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये जो कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनके केस में NSR होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अर्थात अगर अल्कोहल के साथ में अगर हम HX अर्थात HBr HCl और HI लेते हैं तो इनके केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहां से ऑप्टेन होने वाला Br Cl- I- आर द गुड न्यूक्लियोफाइल, ये बेस की तरह बिहेव नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बट आपके पास यहां पर कंसर्टेड H3PO4 गिवन है बेटा, और H3PO4 से जब यहां पर H2PO4- बनेगा तो ये लार्जर इन साइज है, और लार्जर इन साइज होने की वजह से बेटा ये गुड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब बताओ, अगर ये गुड बेस है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, तो यहां से केवल एलिमिनेशन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? कंसर्टेड H3PO4। ध्यान दे, कंसर्टेड
H2SO4, H3PO4, Al2O3, ये KHSO4, ये वो रिएजेंट है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं और ये सभी एलिमिनेशन रिएक्शन अर्थात डिहाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि HS वाले में NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आपको जेड बताना है। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले एल्कीन पर HBr, तो आपको पता है बेटा एल्कीन पर HX का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के वाया एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। बट एक स्पेशल केस है और ये सब MKW मार्कोनी रूल का फॉलो होता है, लेकिन अगर HBr के साथ में हम कोई भी परोक्साइड यूज करते हैं तो इसको परोक्साइड इफेक्ट, इसको हम परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट बोलते हैं और ये रिएक्शन आपका FRAR फ्री रेडिकल एडिशन का पार्ट होता है, जहां पर आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो होता है। मार्कोनी ने कहा था कि आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर जुड़ेगा, जबकि एंटी मार्कोनी कहता है कि न्यूक्लियोफाइल लेस क्राउडेड पर जुड़ेगा। तो देखिएगा, हमारे पास यहां पर 1-butene गिवन है बेटा, और इस पर जब हम Br फ्री रेडिकल का अटैक करेंगे तो बेटा Br फ्री रेडिकल आपके आउटर कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहां से हमारे पास जो Y बनेगा वो Y बनेगा 1-bromobutane, ये Y हो गया। अब 1-bromobutane का रिएक्शन हमें करना है Ca3CH2ONa सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। अगर यहां पर हीटिंग होता तो एलिमिनेशन होता, क्यों? क्योंकि बेटा NSR एंड एलिमिनेशन गोज टू पैलर। NSR और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों पैलर होती है और पहले NSR को ही हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं और एलिमिनेशन वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। बट अगर रिएक्शन में हीटिंग गिवन है तो हीटिंग के केस में एलिमिनेशन होता है, या हीटिंग नहीं है तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो CCCOCC ये ईथर का फॉर्मेशन होगा और ये ईथर फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड भी है, जिसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो कि SN2 का पार्ट है, जहां पर हैलाइड आपका लेस क्राउडेड होना चाहिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका रॉन्ग है बेटा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका ब्यूटाइल और इधर आपका ईथर ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिल्स एफ फिनोल एंड एन एल्कोहल। फिनोल और एल्कोहल में डिफरेंस करने का मेथड कौन सा है? तो ये आपका एक कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, ध्यान दे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं और टोलेंस रिएजेंट के साथ में एल्डिहाइड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और फॉर्मिक एसिड, ये टेस्ट शो करते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका रहूंगा। सेकेंड दे रखा है बेटा अमोनिकल CuCl2। अमोनिकल सिल्वर आपका क्यूप्रस जो क्लोराइड वाला पोर्शन है, ये भी आपके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन में डिफरेंस करता है, तो ये भी आपका रोंग है। सी ऑप्शन एक्वस, एक्वस भी यूज नहीं करेंगे बेटा, न्यूट्रल FeCl3 हम यूज करेंगे, क्योंकि जो फिनोल होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वोइलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि एल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो एल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस करने के लिए हम न्यूट्रल FeCl3 को यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनिसोल रिएक्ट विद HI2 गिव। इस टॉपिक का पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी यही था और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको
डिस्कशन कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट यहां से बता दूं, ये होता है एनीटोन। और सर ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी आया हुआ है 2020 में। यह है एनीटोन। इस एनीटोन का रिएक्शन एचआई के साथ करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ एनएसआर। यहां से पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। अब यहां से आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये आपका अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड है। अराइल ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है, इसलिए बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो ये वाला पोर्शन तो बनेगा फिनोल में और वो वाला पोर्शन बनेगा मिथाइल आयोडाइड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा फर्स्ट, फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्कीन और एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर और NaBH4 के साथ। तो बेटा एल्कीन है ये और एल्कीन पे एक रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ वाटर और उसके वाया अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर को हम थ्री टाइप से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एसिडिक कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर, एक पढ़ते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन और एक पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एसिड कैटालिस्ट वाले में बेटा मार्कोनियो क्रू लगता है, यहां भी मार्कोनियो क्रू लगता है और यहां पर एंटी मार्कोनियो क्रू लगता है। यहां पर इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है, यहां पर आपका साइक्लिक कैटाइन बनता है, यहां ट्रांसिजन स्टेट बनती है। अब आपको पता है यहां कैटाइन बनता है तो यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसलिए जनरली 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यहां जनरली 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और यहां जनरली 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अब आप जरा देखिएगा, हमें यहां पर सेकेंड वाली कंडीशन दे रखी है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जिसके अंदर साइक्लिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें यहां पर देखो जो प्रोडक्ट है उसमें आपके पास C C C C C डबल बॉन्ड CH2 है। तो जब हम यहां पर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है HgOAC+। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये यहां पर जुड़कर रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यहां पर ये सबसे पहले जुड़ेगा, तो यहां पर आपके पास जुड़ने से ये Hg होगा और इस तरह से ये रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पर अगर ये साइक्लिक रिंग नहीं बनता तो आपको पता है यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाता, बट इसकी वजह से यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो यहां पर पॉजिटिव यहां पर होगा और यहां पर आपका अल्कोहल जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है, सेकंड रॉन्ग है। सेकंड तब बनता जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता, थर्ड भी आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता तो रीअरेंजमेंट के वाया इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और डी भी आपका यहाँ तब बनता जब आप यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेते, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव द कंपाउंड ए द फास्टेट अपॉन ट्रीटमेंट विद H3PO4। आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट है ए, ये गिवन है और वो एल्कीन है और अल्कोहल से एल्कीन। तो इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अल्कोहल है ना, उससे हमें यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन करना है और वो भी किसके प्रेजेंस में, H3PO4। अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन इलिमिनेशन है और वो भी डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है जो कि ईवन मैकेनिज्म के वाया होता है और ईवन मैकेनिज्म में आपका जो इंटरमीडिएट है वो कार्ब कैटाइन होता है। तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनाएंगे और हमें पता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अर्थात डिहाइड्रेशन की रेट की बात करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन होता है। और कार्ब कैटाइन में स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्ब कैटाइन होगा बेंजाइलिक
कार्ब कैटाइन, उसके बाद होगा 3 डिग्री कार्ब कैटाइन, 3 डिग्री के बाद होगा 2 डिग्री कार्ब कैटाइन और 2 डिग्री के बाद में होगा 1 डिग्री कार्ब कैटाइन। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एल्कोहल फास्टेट डिहाइड्रेशन शो करता है। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑप्शन डी के अंदर एल्कोहल नहीं है बेटा, फिनोल है, और आपको फिर पता है फिनोल डज नॉट शो डिहाइड्रेशन, अर्थात फिनोल जो है वो एसिड मीडियम में डिहाइड्रेशन शो नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद एसिड है, इसलिए डी ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। अब बचा ए, बी और सी। अब आप देखिएगा ए ऑप्शन में यहाँ पर जो एल्कोहल है इसको जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो आप जरा देखिएगा, यहाँ से जो एल्कोहल रिमूव होगा और यहाँ पर आपके पास जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन ये होगा और ये आपका है बेंजाइलिक कैटाइन। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो कैटाइन बनेगा वो है बेंजाइलिक कार्ब कैटाइन। अब आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जब यहाँ से ये एल्कोहल OH ग्रुप हटेगा तो हमारे पास यहाँ से जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा उस कैटाइन में ये बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ तो यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्ब कैटाइन और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ बेंजाइलिक कैटाइन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बनेगा बेंजाइलिक कैटाइन, सेकेंड ऑप्शन में बनेगा आपका 3 डिग्री कैटाइन। अब आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ से जो बनेगा, आप जरा देखिएगा, सी ऑप्शन में आपके पास जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन ये होगा और वो कैटाइन है आपका 2 डिग्री कार्ब कैटाइन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन में बेंजाइलिक कैटाइन है, सेकेंड ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री कैटाइन है और सी ऑप्शन में आपके पास 2 डिग्री कैटाइन है। और हमें पता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन है। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से कैटाइन की होगी, इस वाले कैटाइन की। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास बेंजाइलिक कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर रेजोनेंस है, इसलिए हाईली स्टेबलाइज होगा। उसके बाद में आपका बी ऑप्शन होगा जिसके अंदर 3 डिग्री कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद में सी होगा जिसके अंदर 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। हमें ईथर गिवन है और ईथर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है। ध्यान दें, ईथर का जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ROR ये ईथर है। जब इसका हम H+ के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने से ईथर पर प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा। अब हम यहां पर H2O वाटर को लेंगे, वाटर यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, NSR रिएक्शन होगी और इसके वाया 2 मोल ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ईथर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 मोल ऑफ एल्कोहल ऑब्टेन होते हैं और वहां से क्लीवेज होता है। ध्यान रखना, बॉन्ड क्लीवेज के साथ है, बॉन्ड क्लीवेज। अब आप देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि यहां पर हमारे पास CH3 मिथाइल है, इस मिथाइल के साथ में यहां पर ईथर है, फिर यहां कार्बन है, फिर यहां पर CH2 ग्रुप है, फिर यहां CH2 ग्रुप है, ये CH2, ये CH2, फिर अगेन यहां पर एक CH2 ग्रुप और है, यहां तक हम आगे, और ये डायरेक्ट कनेक्ट है इस वाले कार्बन से, ये डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट है। इसके अलावा इस वाले कार्बन पर हमारे पास एक CH2 यह है, इसके अलावा एक CH2 यह है, और ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन से कनेक्ट है। अब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अभी हमने यहां पर कॉन्सेप्ट लिया था कि यहां से ब्रेक करेंगे, मतलब एक साइड ब्रेक करके OH लगा देंगे, दूसरी साइड ब्रेक करके OH। कहने का मतलब ये इथर है तो इसको ब्रेक करेंगे, एक साइड H लगा देंगे, एक साइड OH लगा देंगे। तो देखो सबसे पहला ये इथर है, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऊपर तो लगेगा OH और नीचे लगेगा H। तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये बनाया, तो अब देखो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होगी।
सबसे पहले होगा मिथाइल। अब आप देखिए मिथाइल के साथ ये कार्बन है, इस कार्बन पर यहाँ OH लग जाएगा। अब इसके ऊपर साइड चलो तो यहाँ पर क्या है CH2, फिर इधर चलो यहाँ पर क्या है CH2। अब देखो यहाँ इथर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऊपर तो OH लगेगा नीचे H लगेगा, तो इसका मतलब इस कार्बन पर यहाँ पर OH लग जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आप देखो इस कार्बन पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहां से हम लेंगे ये CH2, उसके बाद में यहां पर ये CH2, तो आपने यहां से ये CH2 ले लिया, ये CH2 ले लिया, फिर ये CH2 हो रहा है तो हम एक और CH2 ले लेंगे। तो अब देखो हमारे पास 1 2 3 थ्री CH2 हो गया, उसके बाद में ये कार्बन है तो हम यहां से ये कार्बन लेंगे। अब आप जरा देखो इस कार्बन पर एक OH यहां से आ रहा है, एक OH ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब इस कार्बन पर दो अल्कोहल ग्रुप लग जाएंगे। आपको पता है कि एक कार्बन पर टू OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तो यहां से क्या होगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां से हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड LDR का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। तो बताइएगा अब इससे मैच कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा आप, यहां पर कीटोन है, LDR नहीं है, जबकि यहां पर प्रोडक्ट LDR बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन में LDR है, बट LDR के नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ OH लगा हुआ है, जबकि यहां पर LDR के नेक्स्ट कार्बन पर OH नहीं लगा हुआ, अर्थात मैं यहां पर इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 ये रख लेता हूं। तो 5 पर आपका क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिएगा आपका सी ऑप्शन में LDR है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो आप देखिएगा 5 नंबर के कार्बन पर CCOH, ये आपका हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ OH लगा हुआ है और ये LDR है, तो इसका मतलब इसका सी आंसर आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका रॉन्ग क्यों है, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 कार्बन का चेन हो गया, LDR भी हो गया, बट आप देखिएगा यहाँ पर जो है CC, तो यहां पर तो हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल है, बट नीचे यहां पर जो है एक कार्बन एक्स्ट्रा गिवन है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था कि जब हम ईथर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है और ऑक्सीजन जहां से ब्रेक होता है, तो जहां ऑक्सीजन जिसके साथ होगा वहां पर H लगेगा और जिस कार्बन से वो हटेगा वहां पर OH लगेगा, अर्थात दोनों साइड OH का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, यहां पर आपको बताना है द प्रोडक्ट ही क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास यहां पर एसिड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन करना है ला के साथ। हमें पता है कि ला जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका रिडक्शन अल्कोहल में कर देता है, तो यहां पर H लग जाएगा, यहां पर H2 लग जाएगा और यहां पर H लग जाएगा, तो यहां से हमारे पास CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर ए बन गया इथाइल एल्कोहल क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इथाइल एल्कोहल पर रिएक्शन होगा PCl5 का, आपको पता बेटा ये NSR पार्ट है, वैसे तो एल्कोहल जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम एंड आपका कोई भी आपका जो लुईस एसिड या कोई कॉम्प्लेक्स है उसकी प्रेजेंस में ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो PCl5 की प्रेजेंस में यहां पर एल्कोहल में NSR होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके वाया यहां से हमारे पास जो है इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास जो इथाइल क्लोराइड बना है इसका रिएक्शन करना है एल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना एक तो होता है एक्वस KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है हमेशा, और एक्वस KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है एक्वास और एल्कोहलिक। यहां पर एल्कोहलिक है तो इसका मतलब एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन होता है। तो अब आप जरा देखिएगा CH2 यहां पर Cl है
और यहाँ पर एच है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ से अल्फा बीटा इलिमिनेशन होगा और अल्फा बीटा इलिमिनेशन के वाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एसिटाइलडिहाइड रॉन्ग, एसिटिलीन रॉन्ग, इथाइलिन, तो यहाँ पर इथाइलिन राइट है। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एलाइल फिनाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग, अर्थात हमें यहां पर सी डबल बॉन्ड सी सी ओ पी एच, ये है एलाइल फिनाइल ईथर का हमें फॉर्मेशन करना है। और हमें पता है कि ईथर फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है विलियमसन सन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के वाया इसका फॉर्मेशन होता है। क्या होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वो मैं क्लियर कर दूं। हमारे पास आर ओ एच एल्कोहल ले लो, चाहे पी एच ओ एच फिनोल ले लो, आर या पी ओ एच का रिएक्शन सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे हम, तो हमारे पास यहां से आर या पी एच ओ एन ए सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से जो ये बनता है ये बिहेव एक लाइज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बेटा। अब इसका रिएक्शन करते हैं हम यहां से एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड में यहां से एक्स लिविंग ग्रुप पर रिमूव हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, जिसके वाया हमारे पास आर पी एच ओ आर इथर का फॉर्मेशन होता है और इट इज द पार्ट ऑफ SN2, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसलिए आपका जो हैलाइड है या तो वो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री, जिसमें मोस्टली 1 डिग्री होना चाहिए। बट हमें पता है बेटा कि एक तो आपका बेंजाइलिक हैलाइड, एक तो है बेंजाइलिक हैलाइड और एक है एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड के केस में SN1 एज वेल SN2 दोनों ही बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है, अर्थात एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 के साथ साथ SN2 रिएक्शन भी होती है। तो इसका मतलब यहां पर एल्किल हैलाइड जो है वो बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। अब हमें यहां पर आंसर पता करना है, तो देखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन विनाइल हैलाइड है और आपको पता है कि विनाइल हैलाइड में यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और विनाइल हैलाइड में यहां रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से विनाइल हैलाइड तो NSR शो करता ही नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, नो NSR, विनाइल हैलाइड में NSR नहीं होता। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए यहां NSR नहीं होगा, इसलिए ये तो आपका रॉन्ग है। बी ऑप्शन में आप देखिएगा, जब यहां से रिएक्शन हम करेंगे तो बेटा अब की बार भी BR का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इंक्लूड है, रेजोनेंस में इंक्लूड है, तो यहां पर भी NSR नहीं होगा, क्योंकि याद रखे हैलाइड जो है वो रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हैलाइड का लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो वह पार्शियली डबल बॉन्ड होगा और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से वो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड हो जाएगा और स्ट्रोंगर बॉन्ड की वजह से नो NSR। अब आ जाएगा C ऑप्शन। हाँ, C ऑप्शन आपका जो है वो राइट है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा C ऑप्शन में यहां पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी सी और BR गिवन है और इसका रिएक्शन कर रखा है PHONA सोडियम फिनोक्साइड के साथ, तो सोडियम फिनोक्साइड यहां टेक करेगा, BR यहां से रिमूव हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी ओ पी एच, तो हमारे पास यहां से फिनाइल एलाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा इसका सी आंसर आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका क्यों सही नहीं है, उसका रीजन क्योंकि डी ऑप्शन में भी बेटा आपको हेलो एरिंस गिवन है। क्या गिवन है? हेलो एरिंस। और आप जरा देखिएगा हेलो एरिंस में भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और टॉप पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से नो NSR, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो ध्यान रखना बेटा ए बी और सी, ए बी और डी, इन तीनों ही ऑप्शन के अंदर जो हैलाइड है उसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से NSR पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि आपका जो हैलाइड है, अर्थात जैसे भी हमने यहां कहा था कि यहां पर आपका जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक हो सकता है, बट ये हेलो एरिंज एंड विनाइल हैलाइड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ये हेलो एरिंज
और विनाइलिक एलाइड की फॉर्म में होगा तो यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन ए बी और डी के अंदर या तो वो हेलोएरिंग या विनाइल एलाइड की फॉर्म में है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल इज हिटिंग इन एसिड। अर्थात हम यहां पर 2,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हीट करेंगे वाटर के साथ। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो बेटा, ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन, इस पर ये हो गया ऑल, ये हो गया नंबर वन, यहां भी मिथाइल और यहां भी मिथाइल, ये हो गया नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम हीट, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया एलिमिनेशन, और हमें पता है कि डिहाइड्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन बनता है। तो सबसे पहले मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे देखो, पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये अपना इसको लोन पेयर देगा, तो यहां पर OH2+ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, और हमें पता है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो ये गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहां से हट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये केटाइन बनेगा, और ये है कौन सा केटाइन, 2-डिग्री कार्ब केटाइन। बट इसके नेक्स्ट में यहां पर देखो आपके पास 4-डिग्री कार्बन है, तो यहां से 1,2-माइग्रेशन होगा, अर्थात 1,2-मिथाइल शिफ्ट होगा, एक मिथाइल यहां शिफ्ट हो जाएगा, और 1,2-मिथाइल शिफ्ट होने से बेटा यहां पर मिथाइल आ जाएगा, यहां पर मिथाइल है और यहां पर प्लस आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास 3-डिग्री कार्बकेटाइन बन जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है कंपेयर टू 2-डिग्री। अगर ये मोर स्टेबल है तो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो, यहां से उसने पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप जरा देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, और यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो β1, β2, β3 तीन टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, इनमें से मेजर वो होगा जिससे मोर सब्स्टिट्यूट, अर्थात हमारे पास यहां पर M, हमारे पास यहां से बेटा सेतजेप रूल का फॉलो होगा, और सेतजेप ने कहा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये मेजर होगा, अर्थात 3 डिग्री से जो, अर्थात 3 डिग्री जो बीटा हाइड्रोजन है उससे जो बनेगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि ये वाला आपका 3 डिग्री का पार्ट है, और ये वाला आपका 2 डिग्री का पार्ट है, और ये वाला आपका 1 डिग्री का पार्ट है। अगर मैं 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन से बनाता हूं तो हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका ये होगा, जो कि मेजर नहीं, क्या है बेटा, माइनर है। और अगर 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन से मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा ये होगा, और ये भी यहां पर माइनर प्रोडक्ट है, मेजर नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो बेटा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर यही होगा कि इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहूंगा है, सेकंड रहूंगा है, थर्ड रहूंगा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। और अगर हम बात करें और, तो ये बाकी दो प्रोडक्ट आपके माइनर होंगे, क्योंकि यहां सेतजेप रूल अप्लाई होगा, सेतजेप ने कहा था कि हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, अर्थात जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होंगे वही एल्कीन मोर स्टेबल होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमारे पास यहां पर क्या गिवन है बेटा, ईथर गिवन है, और ईथर का रिएक्शन HCl के साथ करना है, तो यही वापस क्या हो गया, जिसेल मेथड हो गया। कौन सा मेथड है बेटा, ये जिसेल मेथड है, और जिसेल मेथड हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो जिसेल मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो देखो OH+ ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया,
और सी एच पर यहाँ भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, उसके बाद में यहाँ रिंग है और रिंग के साथ में यहाँ पर बी आर और यहाँ पर भी बी आर है। अब यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो बताओ कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो हमें पता है कि ये बॉन्ड कौन सा है, तो बेटा ये बॉन्ड हमारा आरायल ऑक्सीजन बॉन्ड है, और आरायल ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है। क्यों स्ट्रोंगर होता है, उसका रीजन होता है ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से पार्शली डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड आपका स्ट्रोंगर होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो वीकर होगा। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कौन सा, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, और एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है बेटा वो वीकर बॉन्ड होता है, और वीकर बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से ब्रेक हो गया, तो यहां से तो बेटा ओ एच अर्थात फिनोल के साथ में बी आर ये बन जाएगा फिनोल का पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके हैलाइड में चेंज हो जाएगा अर्थात सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच और सी एच, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये तो बनेगा आपके पास आइसो, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो तो बनेगा आपका टू क्लोरो प्रोपेन, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये ऑर्थो है और ये मेटा है, तो मेटा ब्रोमोफिनोल, तो एक तो बनेगा मेटा ब्रोमोफिनोल प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारे पास टू क्लोरो प्रोपेन, तो ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तब आप देखिएगा कौन सा आंसर आपका राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके दे रखा है सी एच थ्री होल ट्राइड टू सी एच सी एल मेटा ब्रोमोफिनोल, बेटा फर्स्ट आंसर ही आपका राइट है। सेकेंड आपका रॉन्ग है, मेटा ब्रोमो क्लोरो नहीं बन सकता। थर्ड आंसर आपका रॉन्ग है, एल्कोहल नहीं बनेगा, और फोर्थ आंसर भी आपका रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना बेटा ऑक्सीजन जब रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, जब ऑक्सीजन डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच होता है तो वहां पर ऑक्सीजन और रिंग के बीच में रेजोनेंस होता है, और ऑक्सीजन और रिंग के बीच में रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए इस बॉन्ड का कभी भी क्लीवेज नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये एनटीए टीपीसी जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कोहल फिनोल इथर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने अभी 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। अब यहां से 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उन 15 क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन या जो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।